वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास हिंदी का जो गद्य खंड पढ़ रहे हैं उसका चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है और ये आपके हिंदी किताब में गद्य खंड में चौथा चैप्टर पढ़ने को दिया गया है। इससे पहले पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा 20 के दांत, तीसरा भारत से हम क्या सीखे का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और उसे देखने का प्रयास करें। आई होप आपको सारी वीडियो देखने के बाद हिंदी में बहुत सारे नंबर यानी कि ढेरों सारे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आप 90+ नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राइटर के बारे में पाठ के कुछ मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव कुछ बेसिक बातों को जान करके आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है 50 मार्क्स का उसको हल कर सकते हैं, आप वहां से आप टिक आउट कर सकते हैं और ढेरों सारा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो माय डियर, सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसा कि आपको बता दूं कि शुरू शुरू में मैं आपको बताता हूं कि पाठ में किन किन बातों का समावेश है, कौन कौन से बात मुख्य हैं जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। बाय द वे, मान लेते हैं पूरा पाठ हम नहीं पढ़ पाए, कोई हमें पढ़ा नहीं पाया, तो मैं आपको वैसे ही बातों को बताता हूँ यहाँ पर, वैसे ही बातों का समावेश करके वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ कि केवल अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएँ। जब जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप गाइड से मिला सकते हैं सवालों को, क्योंकि जब भी गाइड आती हैं तो मैं उसी के माध्यम से जो सवाल गाइड में समावेश होता है उसी को मैं ऑब्जेक्टिव बना करके पेश करता हूँ ताकि आपको बेहतर नंबर प्राप्त हो सके। इसके बाद हमारी इसकी समरी और पूरे पाठ का सारांश के रूप में कि पाठ में क्या है उसकी भी वीडियो आएगी, उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। बट अगर आप वो नहीं देख पाते हैं, केवल यही वीडियो देखें, तो आई होप मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिर भी आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, कुछ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पाठ समझ में आ जाएगा कि आखिर पाठ किस विषय वस्तु पर लिखी गई है। माय डियर, यहाँ एक कोटेशन है, बुराई पर अच्छाई की जीत होना निश्चित है, हमारे मूल सिद्धांत हमें गलत करने से रोकते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होना निश्चित है, यानी कि अच्छाई हमेशा जीतेगी, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं हमें गलत करने से हमेशा रोकते हैं। तो माय डियर, बहुत अच्छा कोटेशन है, याद रखनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। ये क्या है, तो सबसे बड़ी बात जानिए कि एक प्रकार का ललित निबंध है। मैंने साहित्य की विधा के ऊपर भी वीडियो बनाई है, क्योंकि गद्य की अनेकों विधाएं होती हैं, पद की भी विधाएं होती हैं, कविता में भी बहुत सारी विधाएं होती हैं, दोहा होता है, रोला होता है, सुरठा होता है, उसी तरह गद्य में भी आप देखेंगे कि निबंध होता है, कहानी होता है, संस्मरण होता है, जीवनी होता है, निबंध में भी ये ललित निबंध हैं। तो सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं साहित्य की कौन सी विधाएँ, कहानी है, भाषण है, ललित निबंध है, संस्मरण है, तो माय डियर आंसर होगा ललित निबंध है। लेखक के बारे में जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था, और क्या ये फैक्ट बातें हैं, 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु भी हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 19 अगस्त और 19 मई आप यहाँ भी याद रख सकते हैं इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में, यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, आगे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पाठ को। देखिए, मैंने आपको पूरी पिक्टोरियल पिक के माध्यम से नाखून क्यों बढ़ते हैं समझाने का प्रयास किया है, जिसके लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म मैंने अभी बताया था 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, तो आरत दुबे के छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान से भी इनके सवाल पूछे जाते हैं, तो आरत दुबे का छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं, तो अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, कुटज के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की ललित योजना। ये सारे क्या हैं, इनके कुछ मुख्य मुख्य, इन्होंने बहुत सारी किताब लिखा माय डियर, ये सबसे बड़े आलोचक और अपने जमाने में अपने समय में सबसे बड़े निबंधकार के रूप में ये सामने आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अभी भी इनको वैसे ही माना जाता है, एक आलोचक के रूप में इनको देखा जाता है द्विवेदी जी को। इनकी बहुत सारी, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, एक इनका उपन्यास है वाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। बाकी इन्होंने बहुत सारे ललित निबंध लिखे, अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, कुटज के फूल, ये सारे इनके ललित निबंध हैं। अनामदास का पोथा, ये भी आपको इनकी क्या है, तो एक उपन्यास है, है ना। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़े राइटर के रूप में ये हमारे सामने आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे देखते हैं,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने जो किताब लिखा था आप इसमें देख रहे थे आलोक पर्व, आलोक पर्व लिखने पर इनको साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान जो अपने देश में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। इनका निधन कब हुआ तो 1979, पहले भी आपको यहां से भी आप याद रख सकते हैं 1979 में इनका निधन हो गया और जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में यहां से। तो माय डियर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको पाठ समझ में आएगा। अब बात कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नाम कैसा है, तो माय डियर आगे आपको मिलेगा इसका पूरा विवरण मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर के माध्यम से इन्होंने किताब लिखा था नाथ संप्रदाय, बहुत बड़ी ये जैसे संत संप्रदाय आता है नाथ संप्रदाय आता है, तो इस तरह से इन्होंने किताबें लिखी हैं नाथ संप्रदाय के ऊपर, बहुत ही फेमस किताब है। वान भट्ट की आत्मकथा इनकी बहुत बड़ा उपन्यास है, उसमें कुछ बातें उसका कोट किया गया है, जैसे डरना किसी से भी नहीं है, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, जो मेरा सत्य है वह यदि वस्तुतः सत्य है तो वह सारे जगत का सत्य है, व्यवहार का सत्य है, परमार्थ का सत्य है और त्रिकाल का सत्य है। माय डियर सबसे बड़ा है सत्य, अगर हम सत्य वचनों पर हैं सत्य बोलते हैं तो हमें कहीं डर नहीं लगता है, लेकिन जब हम झूठ साँच के फेर में पड़ते हैं झूठ बोलते हैं तो हमें अपने अंदर से ही डर लगता है। तो इन्होंने कितना अच्छा बात बताया, किसी से नहीं डरना है, यहाँ तक कि वो गुरु भी हो, भगवान भी हो, मंत्र भी हो, वेद भी हो, किसी से नहीं डरना है। अगर आप सत्य हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपका कर्म अच्छा है तो फिर किसी से भी नहीं डरना है। देख बाबा इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है उसी की पूजा कर। ये कहते हैं कि जो भी लोग आपको प्रभावित करते हैं, जैसे ही ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु क्या है, एक देवता के समान है, ऐसा नहीं कि कोई फलाना व्यक्ति देवता है कोई फलाना व्यक्ति देवता है, बल्कि हर कोई देवता है। अगर आप जिसको देवता मान लिए, जैसे सपोज डेट हमारे लिए कौन है, हमारे माता पिता से बढ़कर दूसरा कौन देवता हो सकते हैं, बट हम मानते नहीं हैं उनको, माता पिता से बढ़कर जिन्होंने हमें जन्म दिया, गुरु ने हमें शिक्षा दी, उससे बड़ा देवता कौन हो सकता है, बट हम समझ नहीं पाते हैं आज की स्थिति में, है ना। तो ये इनकी बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं जिसको कि कोट करके रखा गया है, आप इनके कोटेशन को पढ़िए, इनके रचनाओं को पढ़िए, आई होप जब आप मैट्रिक पास कर जाएं कभी समय मिले तो। कमाल के राइटर मिलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक इनका किताब है अनाम दास का पोथा, मैंने बताया था ना इनके दो उपन्यास हैं, एक बाण भट्ट की आत्मकथा और एक अनाम दास का पोथा, और भी हैं बट यहाँ ये फेमस और चर्चित उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा, है ना। आगे देखेंगे कुछ भारत सरकार द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। आप जानते हैं या आपको पता होगा कि भारत सरकार चार प्रकार की पुरस्कार देती है, जो सिविलियन अवार्ड होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, उसमें से पद्म भूषण सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर रहे। माय डियर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर से शांति निकेतन विश्वविद्यालय में और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, यहाँ इतने विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर और कई सारे प्रशासनिक पदों पर रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे देखेंगे इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़, ये थोड़ा मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, बढ़ होगा, बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को चित्रित किया है। माय डियर नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से, नाखून के माध्यम से इन्होंने अपनी विकास यात्रा को, हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो विकास गाथा होती हैं, हम आते हैं फिर यहाँ कुछ दिन रहते इस धरती पर, फिर हम चले जाते हैं, फिर हमारे बच्चे आते हैं, फिर उनके बच्चे, ये चले जाते हैं, जिस तरह से नाखून बढ़ता है फिर हम उसको काट देते हैं, फिर बढ़ता है फिर काट देते हैं, यानी कि धरती सदा शाश्वत बनी हुई है, यानी कि सभ्यता और संस्कृति का विकास निरंतर होगा, वो कटेगा फिर बढ़ते जाएगा, फिर कटेगा फिर बढ़ते जाएगा, यानी कि नाखून के बहाने, मैंने पहले ही बताया कि ये आलोचक हैं और आलोचक वो होते हैं जो किसी चीज़ के बहाने, किसी चीज़ का उपमा दे करके बहुत बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट नहीं, किसी चीज़ के आड़ में, किसी चीज़ के बहाने के माध्यम से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास की गाथा को बताया है, कि सभ्यता और संस्कृति किस तरह से उसी नाखून की तरह विकास करती रहती है, भले वो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग आते हैं, फिर वो मर जाते हैं, कोई आज तक इससे
धरती पर और यहाँ जिंदा नहीं रहा हमारी सभ्यता में, अच्छे अच्छे लोग भी चले जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं, यानी कि नाखून बढ़ा फिर काट दिया गया फिर बढ़ेगा, इस तरह से इन्होंने बताया है। आई होप हमारी अगली वीडियो जब आएगी तो मैं पूरी तरह से पाठ को समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ केवल आपको मैं वही बात बता रहा हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, आपके सवाल बन जाए एग्ज़ाम में, आपको कभी ये नहीं लगे कि नहीं मैंने ये चीज़ पढ़ा ही नहीं। आप हमारे वीडियो को पढ़िए, देखिए और गाइड से मिलाने का प्रयास कीजिए, आपको सारे सवाल गाइड के मिल जाएंगे आई होप, क्योंकि जो भी गाइड में लिखा जाता है या जहाँ से वीवीआई सवाल उठने की संभावनाएं होती हैं, वीवीआई सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव बनने की संभावनाएं होती हैं, उन सारी बातों का मैं अपने वीडियो में समावेश करता हूँ। आगे की स्लाइड में देखेंगे, देखिए यहाँ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया नाखून के माध्यम से, पाठ का नाम कितना अच्छा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से एक छोटी सी लड़की ने पूछा था, लेखक से यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से छोटी सी लड़की ने सवाल पूछा था कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर द्विवेदी जी को ये सवाल इतना घर कर गया कि इस पर उनको कुछ लिखने का मन किया और इसी नाखूनों के बहाने उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा को चित्रित कर दिया। आगे देखेंगे, इस ललित निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने नाखून के बारे में बताया है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। बड़ा अच्छा व्यंग के माध्यम से वो बता रहे हैं कि नाखून वैसे होते हैं कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, दंड ही है तो कि वो बढ़ रहे हैं तो हम उनको काट रहे हैं, लेकिन फिर निर्लज अपराधी की तरह उनको कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, फिर वो बढ़ जाते हैं। यानी कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी बता रहे हैं कि चाहे सभ्यता और संस्कृति में बुरे लोग भी क्यों ना हो, बुरे लोगों के मार देने से ऐसा नहीं होगा कि बुरे लोग फिर से जन्म नहीं लेंगे, फिर से बुरे लोग आ जाएंगे। तो माय डियर, आई होप कि आप टेक्स्ट को पढ़िए, नहीं समझ में आता है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, मैं आपको सारी बातें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार नाखून की विभिन्न आकृतियाँ होती हैं जैसे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार। नाखून को जब हम काटते हैं तो कई सारी आकृतियों में काटते हैं, उसको सुंदर दिखाने के लिए, अलंकृत करने के लिए महिलाएं इसमें ज़्यादा आगे रहती हैं, जैसे कि त्रिकोण बनाते हैं हम उसको, वर्तुलाकार बनाते हैं, चंद्र के आकार का बनाते हैं, तो इस तरह से हम नाखून को सजाने का प्रयास करते हैं। आप पिक के माध्यम से देख सकते हैं नाखून को हम अलंकृत करके सजा करके कितना अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। और आगे की और अंतिम स्लाइड में हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर एकाकार उठते हैं, यानी कि द्विवेदी जी ने कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ को एकाकार कर दिया है, बताया है कि ये लोग कितने बड़े राइटर थे, कितने बड़े ये लोग सोच विचार वाले व्यक्ति थे, कितनी अच्छी इनकी सोच थी, एकाकार होते दिखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार के मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होते हैं। इस निबंध को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि मानव के प्रति प्रेम, कि मानव को किस तरह इस धरती पर रहना चाहिए, निवास करना चाहिए, मानवतावादी बातों को वो बता रहे हैं नाखून के माध्यम से, है ना। आगे देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। माय डियर, अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं जानते हैं तो निबंध तो हैं, लेकिन यह निबंध नई पीढ़ी में आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसमें सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना, कि इतिहास है ये, बढ़ेगा कटेगा फिर बढ़ेगा फिर कटेगा, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का, यानी कि जो सभ्यता और संस्कृति है उसके आत्मगौरव का भाव जगाता है। आगे पढ़ेंगे, इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने कालिदास के उस लाइन का भी जिक्र किया है जिसमें कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, कालिदास का एक कोटेशन भी है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अगर नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नई युवा पीढ़ी किसी चीज़ को लेकर आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खराब हैं, बट कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जो रूढ़िवादी परंपरा होती हैं उसको कुछ लोग ख़त्म करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो माय डियर, आई होप कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए, पाठ को समझने का प्रयास कीजिए और हो सके तो आप टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें टेक्स्ट को भी समझाने का प्रयास करूँगा। बट अगर आप इसको लिखते हैं तो आई होप कि आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, जब आप गाइड आएगा आपका तो आप मेरी वीडियो से उसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, देखेंगे कि इन्हीं बातों को गाइड में भी जिक्र किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।